अर्थमैटिक विद इन द सेम बेस, कि बिना बेस को चेंज किए किस तरह से आप बाइनरी नंबर्स ऐड कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर्स ऐड कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर ऐड कर सकते हैं या किसी भी अदर बेस के नंबर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ अब अगर इस लेक्चर में बात करें तो हम इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। सो कॉम्प्लीमेंट्स, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है क्या? तो जनरली जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जब कभी कोई नंबर नेगेटिव नंबर होता है, राइट, नेगेटिव 13 है लाइक इन बेस 10, तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट से ये नेगेटिव नंबर कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव नंबर में, सो दैट अब हम अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 27 इन बेस 8, इसमें से सपोज मुझे 14 इन बेस 8 को माइनस करना है, तो अल्टीमेटली माइनस किस तरह से होता है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ये जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है जिसे मुझे माइनस करना है, इस वैल्यू का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और वो कॉम्प्लीमेंट एक तरह से क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, जब कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे वो एड हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस ऑफ 14, राइट, इस तरह से। तो कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट को अगर कैलकुलेट करना सीखे तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है हमारे पास आर कॉम्प्लीमेंट और एक होता है हमारे पास आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, वॉट इज दिस आर? सो इफ यू रिमेंबर, आर क्या था? आर इज कॉल्ड बेस नंबर, रेडिक्स, राइट। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है जिसका बेस क्या है, जिसका बेस 10 है, तो उस केस में अगर आपको बोला जाए उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो, डैट मीन्स हम उस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या आर माइनस वन का मतलब हम उस नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ द बेस इज सपोज 2, अगर बेस हमारे पास 2 है तो हम कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। सपोज द गिवन बेस इज 16, राइट, नंबर का बेस क्या है? 16 है, तो मैं 16th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं या 15th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, आर्स एंड आर माइनस वंस, और आपको क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर नंबर देने के बाद या तो आर्स कॉम्प्लीमेंट पूछ सकता है या आर माइनस वंस पूछ सकता है, या डायरेक्टली बेस के अकॉर्डिंग, जैसे यहां बेस अगर 16 है तो इट कैन आस्क 16th कॉम्प्लीमेंट, इट कैन आस्क 15th कॉम्प्लीमेंट, कोई भी नंबर कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट? सो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने का वे होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव अ नंबर 48 इन बेस 10, राइट। अब वो आपको बोलता है इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करो, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा? तो नंबर का हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट, यानी कि मैं इस नंबर का बहुत ईजिली नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? जितनी डिजिट्स हैं उतने 9 लिखिए और उतने 9 में से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। अगर इस गिवन नंबर का मुझे 9 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, सो मैं इस नंबर में उतने ही डिजिट, जितनी मेरे पास यहाँ पे 48 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो मैंने 2 टाइम्स 9 लिखा और उसमें से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ इट इज बेस 10, नाउ इट इज बेस 10, नाउ यू नो हाउ द बेस 10 सब्ट्रैक्शन इज गोइज ऑन। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 51, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर। बट हमें तो टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो ये कहलाता है 52, दिस नंबर नाउ बिकम्स टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस गिवन नंबर, राइट। तो यानी कि रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम प्लस 1 कर दें तो व्हाट वी गेट? वी गेट आर्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू विल कैलकुलेट द टेंस एंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। सिंपली जितने डिजिट हैं उतने 9 लिखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू गॉट नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक 1 को ऐड करेंगे, वी गॉट टेंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक 51 52 इन बेस 10। अब हो सकता है आपको वो केवल 9 ही कॉम्प्लीमेंट बोले, तो 9 कॉम्प्लीमेंट का मतलब जितनी डिजिट्स हैं उतने 9 लिखिए, इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1 एंड 9 माइनस 4 4 8 7 इज द रिजल्ट, दैट इज 9 कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपसे टेंस कॉम्प्लीमेंट पूछा है था तो इस नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, 4 8 8 इज द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर, राइट। और ज्यादा में ज्यादा आप ये भी कर सकते हो कि इफ सपोज नंबर इज पॉजिटिव तो आप वहां पे माइनस लिख सकते हो, द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज माइनस 488 बेस ऑफ 10,
राइट, बट माइनस पॉजिटिव आप लिख दो, अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी लिखा तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कोई नंबर माइनस नहीं होता है, बट एक्चुअल प्रोसीजर यही है कि इफ द नंबर इज गिवन 512 इन बेस 10 देन द कॉम्प्लीमेंट इज -488 इन बेस 10, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड टूज एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मुझे टूज एंड वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो मेरा क्वेश्चन किस बेस में होना चाहिए? जी हाँ, क्वेश्चन कम्स अंडर इन बाइनरी सिचुएशन। लाइक सपोज मेरे पास नंबर है 101011 इन बेस 2, अब मुझे इसका कैलकुलेट मैं कर सकता हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज बेस 2 एंड आर माइनस 1 का मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो जैसा अभी हमने 10 और 9 में सीखा कि अगर मुझे आर्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है यानी टेंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं पहले क्या कैलकुलेट करता हूं? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो सेम यहां पे कि अगर मुझे टूस कैलकुलेट करना है तो आई विल कैलकुलेट द वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सिंपल होता है कि नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या तो वन है तो उसका जीरो कर दीजिए, और अगर जीरो है तो उसका वन कर दीजिए, यानी जस्ट कॉम्प्लीमेंट द डिजिट, क्योंकि ये बाइनरी है और बाइनरी में दो ही डिजिट एप्लीकेबल हैं, तो अगर जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, तो दिस बिकम्स द वंस कॉम्प्लीमेंट। एंड द सेम प्रोसेस कि आर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम वंस कॉम्प्लीमेंट, जी हाँ, आई विल एड वन, सो दैट अब आप बाइनरी एडिशन समझ चुके हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दैट पर्टिकुलर अर्थमैटिक। सो जीरो प्लस वन इट इज वन, जीरो अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो वन जीरो वन जीरो एज इट इज आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड द टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो जो भी नंबर है उस नंबर का पहले आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें, देन उसके बाद उसमें प्लस वन करके आर्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें, दिस इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट टूज एंड वंस, राइट। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज वी हैव टेक एनी बेस नंबर कॉम्प्लीमेंट, राइट। एनी बेस नंबर में सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहले एक हेक्साडेसिमल नंबर का, सपोज आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है ए बी सी इन बेस 16, तो मैं इसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं इसका 15 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, 16 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 15 कैसे करूँ? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जितनी डिजिट है उतने टाइम्स 15 लिखिए और इस डिजिट को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए बी सी। तो बेसिकली 15 का मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल में 15 का मतलब होता है बेसिकली एफ, तो यहां पे उतने ही टाइम एफ लिख के हम एक तरह से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्चुअली मुझे इन सिंबल्स को वैल्यू में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लाइक एफ है हमारा 15 और सी हमारा क्या होता है? सी हमारा होता है 12, तो 15 माइनस 12 यू गॉट 3, 15 माइनस बी, बी का मतलब 11, तो 15 में से 11 गया इट इज 4, एंड 15 माइनस ए, ए का मतलब होता है 10, तो 15 माइनस 10 यानी कि ये हो गया 5, तो दिस इज 543 इन बेस 16, ये कहलाएगा आपका 15th कॉम्प्लीमेंट, और इसमें अगर हम प्लस 1 कर दें तो नाउ इट बिकम 544 इन बेस 16, ये हमारा कहलाएगा 16th कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो कोई भी बेस नंबर हो कॉम्प्लीमेंट का तरीका एक ही है, और यही मैं इस यूनिट में एम्फेसिस दे रहा हूं कि मेनली आपको यहां पे कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है, क्वेश्चन एग्जांपल तो कैसे भी बन सकता है, राइट। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सपोज आई हैव अनदर नंबर 543 इन बेस 8, तो इसका आपको बोला जाए कैलकुलेट 7th कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो 7th कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो जितनी डिजिट्स हैं उतने ही टाइम 7 लिखा, 777, इस नंबर को माइनस कर दिया 543, तो 7 माइनस 3 डेट इज 4, 7 माइनस 4 डेट इज 3, 7 माइनस 5 डेट इज 2, तो 234 इन बेस 8 इज द 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। और अगर इसमें 8th कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो यहां पे प्लस 1 कर दीजिए, यू विल गेट 235, इट इज द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर। So this is the concept how you calculate the complement of a given number. So after doing this lecture, you can easily calculate this type of complement. अगर आपको question में directly आता है कि for a given number, calculate tens complement, nines complement, twos complement, ones complement. So now you can easily find out. Now from the next lecture, हम लोग बात करेंगे another important codes की, जिन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं binary code. जी हमने binary coding पढ़ी है. Binary क्या है हम जानते हैं, बट अब हम इसको और elaborate करेंगे किस तरह से binary codes को हम divide करते हैं, weighted code क्या होते हैं, किसी भी number का binary code basically बनता कैसे है, right? So बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं next lecture में, thank you.